हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आफाक अंसारी, होम्योपैथिक फिजिशियन, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम बात करते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस पर। हाइड्रो का मतलब होता है पानी, नेफ्रोसिस का मतलब होता है गुर्दे, गुर्दों में पानी का भर जाना, जिसे हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। ये गुर्दों से संबंधित एक बीमारी होती है। एक तरफ या दोनों तरफ गुर्दों में सूजन का आ जाना आमतौर पर पेशाब के ठहरने या जमा हो जाने की वजह से ये समस्या दिखाई देती है। ये किसी भी उम्र में ये समस्या हो सकती है। इसके कई प्रकार होते हैं। अगर गुर्दों में एक तरफ अगर ये समस्या होती है तो इसे एक तरफा हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं, और अगर दोनों तरफ गुर्दों में होती है तो इसे द्विपक्षीय हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। हाइड्रोनेफ्रोसिस के प्रकार, इसके दो प्रकार होते हैं, एक्यूट हाइड्रोनेफ्रोसिस और क्रोनिक हाइड्रोनेफ्रोसिस। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसके लक्षण, साइन एंड सिम्टम, फिर इसके कागजित कारण, फिर इसका प्रिवेंशन बचाव, इसके बाद इसका ट्रीटमेंट उपचार। होम्योपैथिक में ऐसी बहुत सी मेडिसिन हैं जिनके लेने से पूर्णतः इस बीमारी से निदान हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं सबसे पहले इसके लक्षण। गुर्दों में सूजन होने की वजह से लक्षण हो सकते हैं असहनीय दर्द रहना, चुभन रहना, पेशाब में जलन होना, एसिडिटी बनना, गैस बनना, फ्लैटुलेंस की कंडीशन, बुखार होना, थकान रहना, कमजोरी रहना, ये इसके सामान्यतः लक्षण होते हैं। कमर के हिस्से में दर्द का रहना। अब बात करते हैं इसके कागजित कारण। कागजित ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस, जिसमें मिनिमल हाइड्रोनेफ्रोसिस की कंडीशन होती है, जिसकी गंभीरता हल्की सूजन से लेकर ज़्यादा सूजन तक भी हो सकती है। दूसरी अवस्था इसकी होती है माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस, जिसमें सौम्य तरीके की सूजन दिखाई देती है। तीसरी कंडीशन इसमें होती है मॉडरेट हाइड्रोनेफ्रोसिस, जो मध्यम तरीके की हल्की सूजन से लेके ज़्यादा सूजन या ज़्यादा फैलाव भी इसका होता है। चौथी कंडीशन होती है सीवियर हाइड्रोनेफ्रोसिस, जिसकी गंभीरता काफ़ी ज़्यादा फैलाव होता है और ज़्यादा पोजीशन में इसके जो लक्षण होते हैं वो भी ज़्यादा सीवियर दिखाई देते हैं। इनको हम ग्रेड में भी नाप लेते हैं, जैसे ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड, ग्रेड फोर्थ, जिसे हम ग्रेड के हिसाब से जान लेते हैं। प्रेगनेंसी के समय पेशाब में रुकावट आ जाना या ठहराव होना, जिसकी वजह से फोर्स लगने की वजह से कभी कभी पेशाब का जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोनेफ्रोसिस होना एक आम समस्या होती है। दूसरा कारण इसका किडनी स्टोन, यूरेटर स्टोन या किडनी स्टोन होना भी इसकी एक समस्या होती है, जिसकी वजह से पेशाब का जमाव होना या फोर्स का ऊपर की तरफ लगना, जिसकी वजह से भी हाइड्रोनेफ्रोसिस की समस्या हो सकती है। किसी सिस्ट, ट्यूमर या कैंसर की वजह से भी ये समस्या हो सकती है, या रक्त के थक्कों का जमाव हो जाने की वजह से ये समस्या हो सकती है। ये इसके सामान्यतः कारण होते हैं। प्रिवेंशन बचाव, प्रतिदिन खूब पानी पिए, 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। जब विटामिन ई से भरपूर खाद्य पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, जिसमें जामुन, जैतून का तेल, बादाम इत्यादि चीज़ों का उपयोग में लाना चाहिए। कुछ ऐसे तरल खाद्य पदार्थ जिनका भी उपयोग काफ़ी मात्रा में करना चाहिए, जैसे अनानास है, पपीता है, पानी इत्यादि का भी उपयोग करना चाहिए। बार बार पेशाब करें, जिससे मूत्र मार्ग में बैक्टीरिया जो प्रवेश कर जाते हैं वो पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाए। ढीले कपड़े पहनना चाहिए, जिसकी वजह से पेशाब आने में समस्या ना हो। इसके अलावा तरबूज है, खरबूज है, इन ऐसे फलों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। ये इसके कुछ सामान्यतः बचाव होते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट उपचार की। होम्योपैथिक में ऐसी काफ़ी मेडिसिन्स होती हैं जिनका उपयोग हम हाइड्रोनेफ्रोसिस की समस्या के लिए उपयोग में लाते हैं, जिसमें कैंथेरिस, मदर टिंचर, इसका सबसे ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है। अगर पेशाब में जलन रहती है और पेशाब अर्गिंग टू यूरिनेट, पेशाब का स्तर बना रहना, जिसकी वजह से जो लक्षण दिखाई देते हैं, या ब्लूडी यूरिन, पेशाब लाल कलर की अगर आती है, तो वहाँ पर हम कैंथेरिस मदर टिंचर का उपयोग करते हैं, जो काफ़ी प्रभावी और इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। दूसरी मेडिसिन होती है इसकी लाइकोपोडियम,
लाइकोपोडियम में अगर सैंडी यूरिन अगर इसके कण जैसे अगर पेशाब में यूरिन में आते हैं और पेशाब ठहर ठहर के आती है तो वहाँ पर हम लाइकोपोडियम मेडिसिन का उपयोग करते हैं। ये भी काफ़ी प्रभावी मेडिसिन होती है। तीसरी मेडिसिन इसकी होती है हिपरसल, इस मेडिसिन का भी काफ़ी उपयोग में लाते हैं। दोस्तों अगर इन मेडिसिनों को हम अगर लंबे समय तक इन मेडिसिनों का उपयोग करते हैं तो इस बीमारी से पूर्णतः समाधान हो जाता है। दोस्तों मेरी ये जानकारी आप लोग कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।